वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। दिल्ली का होगा अपना खुद का शिक्षा बोर्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 6 मार्च को ऐलान किया है कि अब दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी तक राज्य में केवल CBSE, ICSE बोर्ड की ही पढ़ाई होती है, मगर अब छात्र दिल्ली बोर्ड के संबंध स्कूलों में दिल्ली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सिलेबस की पढ़ाई कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्य को भी अपने शिक्षा बोर्ड हैं और दिल्ली बोर्ड की पढ़ाई 2021-2022 सेशन से ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर होगा। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी। टीएमसी कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी का स्वागत किया। नड्डा ने कहा कि दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट तक छोड़ दी, अब सही व्यक्ति सही पार्टी में है। दिनेश त्रिवेदी ने 12 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शनिवार की सुबह खाप पंचायत के प्रतिनिधि सीएम आवास पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के विधायक भी मौजूद रहे। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा पर पिछले 100 दिन से चल रहे आंदोलन को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान ने 178 वोटों के साथ जीता विश्वास मत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को संसद में सत्ता बचाने की बड़ी परीक्षा में कामयाबी हासिल कर ली है। लगभग 1 घंटे तक चले विश्वास मत की प्रक्रिया में इमरान खान के समर्थन में वोट 178 पड़े, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेशनल असेंबली में 172 वोटों की ही जरूरत थी। नेशनल असेंबली के स्पीकर ने घोषणा कर बताया कि इमरान खान की कुर्सी सुरक्षित है। आज 5 घंटे जाम रहेगा KMP एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया गया। वहीं सोनीपत में हजारों आंदोलनकारियों ने KMP और KGP पर जाम लगाया। इस दौरान दोनों हाईवे के 0 पॉइंट पर चढ़ने और उतरने वाले वाहनों को रोक दिया गया। इससे दोनों हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात बताया जा रहा है कि 11 बजे के बजाय आंदोलनकारी आधा घंटे पहले ही पहुंचे और जाम लगा दिया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।